कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि मैं कोई सीरीज़ देखना शुरू करता हूँ और फर्स्ट एपिसोड के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यू नो सेकंड एपिसोड देखना भी चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसा ही कुछ मुझे लगा था जब मैंने शुरुआत की थी एक सीरीज़ आई एम नॉट ओके विद दिस। और मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा और मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं। मुझे लगा ये तो एक रेगुलर टीनेज टाइप की जो वेब सीरीज़ है और बहुत सारी चलती रहती है तो उसी टाइप का कुछ है। सेकेंड एपिसोड देखा तो बहुत ही सटल था, मतलब इतना कुछ था नहीं मेरे हिसाब से। मेरा ये पर्सनल रिव्यू है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपका टेस्ट भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं थोड़ा यू नो आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु यू नो रेयरली कंटिन्यूज और रेयरली वॉचेस एनी सीरीज, बट मैं अगर कुछ शुरू करता हूँ तो मैं पूरा आखिर तक देख ही लेता हूँ उसको, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बीच में छोड़ दूँ और फिर लास्ट में कुछ ऐसा हो जाए कि यू नो मैं मिस कर दूँ। तो इसी तरह की ये सीरीज़ है कि मैंने जब फर्स्ट एपिसोड देखा तो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, और जैसे ही मैं सेकेंड एपिसोड की तरफ बढ़ा तो तभी भी मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, लड़की के पास पावर है और वो उसे नहीं जानती उस पावर को कैसे कंट्रोल करते हैं, और यही होगा कि उसको कोई आएगा सिखाएगा। और वही कंसेप्ट है बेसिकली, उसका पावर, उसको उसको एक पावर रहता है जिसके बारे में वो नहीं जानती है, उसको कहाँ से मिला है, उसको कहाँ से आया है। और वो जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते रहता है तो लोगों को, मतलब उसके फ्रेंड को एक पता चलता है, और वो और भी अनकंट्रोलेबल हो जाती है उसकी पावर जो है वो। पर ये सब यू नो हर एपिसोड के साथ मेरा इंटरेस्ट कुछ ऐसा कुछ खास खास रहा नहीं, या फिर मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मुझे सेकेंड एपिसोड देखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है। बट यू नो बिकॉज़ आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो एंड तक जाके आता है, तो मैं आखिर के एपिसोड तक गया। और जैसे ही उसका आखिर आखिरी एपिसोड का जो क्लाइमैक्स है वहाँ तक यू नो पहुँचता है पूरा सीरीज़, वो मेरा भी सर उड़ गया था। जिन्होंने देखे उन्हें पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी क्यूरियस हो गया कि अरे ये शायद अलग तरीके अलग 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 जगह जा रहा है ये सेकंड सीजन को लेके, और शायद ये वो रेगुलर है नहीं सीरीज़, या फिर एटलीस्ट फ्रॉम द क्लाइमैक्स जो भी मैं देख जो मैंने अभी देखा है तो उस हिसाब से तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही होगा शायद सेकंड सीज़न। बट यू नो पता नहीं, शायद 2 दिन बाद मैं भूल भी जाऊँ कि मैंने ये सीरीज़ देखी है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग मेरे लिए शुरुआत से उसके 7 कुछ एपिसोड्स हैं तो 6th एपिसोड तक मुझे कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट रहा नहीं। जो भी था इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो 7th एपिसोड पे जनरेट हुआ। तो क्या मैं सजेस्ट करता हूँ आप ये सीरीज़ देखें? आई डोंट नो, मतलब अगर आप रेगुलर टीनेज मूवीज़ देखते हैं तो आप मतलब वन टाइम वॉच तो आप देख ही वन वन टाइम के लिए तो आप वन टाइम वॉच है ही, मतलब आप देख लीजिए एक बार आपको क्या लगता है। और अगर आपने देखी है तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इस सीरीज़ को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, और यू नो मेरा ऐसा कुछ इंटरेस्ट खास जनरेट हुआ नहीं कि मैं सेकेंड सीजन शायद आए तो भी कोई ऐसा कुछ खास यू नो इम्पैक्ट होगा नहीं। बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। आपने अगर देखी है तो आपको क्या लगता है इस बारे में, कि आप भी मेरी तरह ही यही सोच सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है या नहीं है, या फिर अगर आपको पसंद आई है तो आपको क्यों पसंद आई है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। थैंक यू।